very blessed to introduce our next eminent speaker, Dr. Sandeep Shukla. He is MSc Gold Medalist and PhD, working as Assistant Professor, Department of Botany, Government EVPG College, Korba, Chhattisgarh. He has long teaching experience of 20 years. He has published several research papers in reputed journals. He was actively engaged in motivating and spreading awareness of preparation of e-contents during lockdown period. Now, with due respect, I would like to invite him to enrich our knowledge in tools and softwares in the present context. Please, sir. Thank you, Deshmukh, sir. Am I audible, sir? Yes, sir. Okay, thank you, sir. First of all, I would like to thank the organizer of this e-workshop for giving me an opportunity. And today we will discuss about some tools and software which are very useful to develop e-content. हम ये लेक्चर शुरू करें उससे पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मेरा ये जो लेक्चर है सर स्क्रीन शो हो रहा है यस सर थैंक यू सर तो एक चीज मैं ये थोड़ा क्लियर कर दूं कि मेरा ये जो लेक्चर है बेसिकली ये उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रोफेशनल हैं जो प्रोफेशनल तौर पर ई कंटेंट डेवलप करते हैं वीडियो कंटेंट डेवलप करते हैं यूट्यूब पे अपलोड करते हैं या जो ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो ऑर्गेनाइज्ड वे में ई कंटेंट डेवलप करते हैं क्योंकि उनके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है उनके पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज है उनके पास टेक्निकल फैसिलिटीज हैं तो इन सारे रिसोर्सेज का उपयोग करके एक अच्छा ई कंटेंट डेवलप कर लेते हैं मैं कोशिश करूंगा इस लेक्चर में हम उन टीचर्स की बात करें जिनको अब लॉकडाउन पीरियड में खुद से ई कंटेंट डेवलप करने की जरूरत पड़ रही है तो हम स्वयं से अपने घर पर किस तरह से वीडियो लेक्चर ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं वो हम सीखने की कोशिश करेंगे मुझको टाइम अलॉट हुआ था 12 से 12:45 तक एंड वी आर रनिंग लेट सो मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए और मुझको लगता है कि इस लेक्चर के बाद में आपको कुछ ना कुछ बेसिक आइडिया मिलेगा हम बहुत बेसिक लेवल पे बात करेंगे बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम नहीं जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम कुछ ऐसे टूल्स के बारे में जानें जिनका उपयोग हम कर सकते हैं हम अपना प्रेजेंटेशन शुरू करें उसके पहले कुछ मोटिवेशनल कोट देख लें इन कोट की हमारे जीवन में बहुत महत्ता होती है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इन कोट से हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा हमारे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हम कुछ नया क्यों सीखें वॉरेन बफेट के बारे में आप सब जानते हैं और उनका एक फेमस कोट है जिसको हर कोई कोट करता है अपने लेक्चर में द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न तो आप जितना सीखेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे अर्न से मतलब केवल पैसे से नहीं है आप अपनी रेपुटेशन आप अपना एक्सपीरियंस आप अपनी मेच्योरिटी अपना प्रोफेशनलिज्म ये सारी चीजें आप अर्न कर सकते हैं तो सारे टीचर्स को कुछ नया सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए तैयार रहना चाहिए और मुझको लगता है कि जो हम ई लर्निंग पर शिफ्ट हो रहे हैं क्लासरूम टीचिंग से तो उस टेक्नोलॉजी को भी सीखने के लिए आप सारे लोग तैयार होंगे फिर रानी आप जॉर्डन ने कहा है कि जो टेक्नोलॉजी है अगर हम इसको इनकॉर्पोरेट करें एजुकेशन में तो जो एजुकेशन का गैप है जो क्वालिटी गैप है वो हम उसको फुलफिल कर सकते हैं और आपने ये देखा है कि इस लॉकडाउन पीरियड में COVID-19 के कारण जो क्वालिटी गैप था वो बहुत हद तक कम हो गया है हम ऑनलाइन लेक्चर्स के द्वारा पूरे देश और विदेशों के साथ जुड़ सकते हैं आपने ये भी देखा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनको करने के लिए हमको काफी पैसे खर्च करने पड़ते थे वो फ्री ऑफ कास्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप उनको कर सकते हैं डिस्टेंस मोड पे तो आपको घर पे बैठ करके IIM के प्रोफेसर IIT के प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर
हिस्ट्री अगर आपको पढ़ने का मौका मिले तो ये जो क्वालिटी गैप होता है वो भी कुछ हद तक खत्म होता है। तो हमको एजुकेशन में टेक्नोलॉजी इंटरफेयर करनी ही पड़ेगी। जेनी आर्लेस कहते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी अगर हम इसको एजुकेशन में इनकॉर्पोरेट कर दें तो जो हमारा एजुकेशन है वो बहुत तेजी से उड़ान भरेगा, बहुत तेजी से और बहुत दूर तक हम इसको लेकर के जा सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं। और आपने देखा है कि टेक्नोलॉजी से हम बहुत रिमोट एरिया में भी पहुंच रहे हैं। ये जरूर है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास नेट कनेक्टिविटी नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम दूर तक जहाँ तक हमारी पहुँच हो सकती है इस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने एजुकेशन को ले जाने का काम करें। बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि जो टेक्नोलॉजी है वो जस्ट टूल है और इस पूरे सिस्टम में द टीचर्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मुझे लगता है कि यह लाइन पढ़कर आपको अच्छा लगेगा कि एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी हम जितनी भी यूज कर लें पर वो टेक्नोलॉजी जस्ट अ टूल है, वो हमको हेल्प करती है, हमको असिस्ट करती है। टेक्नोलॉजी स्वयं में एक टीचर नहीं है। तो जब भी एजुकेशन की बात होती है तो वहां पर टीचर इम्पॉर्टेंट होता है, उसका अपना इम्पोर्टेंस है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि टीचिंग लर्निंग में एजुकेशन में जो ह्यूमन टच है वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, जिससे हम बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि टेक्नोलॉजी ने हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाया तो आप देखें हमारी लाइफ के हर फील्ड पे, हर एस्पेक्ट पे ड्रास्टिक चेंज हुआ है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। आपने देखा है कि हमारा जो मैसेजिंग का तरीका है वो भी चेंज हो गया है। पहले हम मैसेंजर पिजन का उपयोग करते थे, वहां से हम पहुंच गए हैं ईमेल तक, एसएमएस तक, व्हाट्सएप मैसेजेस तक, मोबाइल कॉल तक। तो इंस्टेंट मैसेजिंग होने लग गई है। जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम था हमारा वो भी आप देखें कि टेक्नोलॉजी ने उसको कहाँ से कहाँ तक बदल दिया है और हम हजारों किलोमीटर की यात्रा विद इन मिनट्स कर लेते हैं। तो अगर टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ के सारे पहलुओं को चेंज किया है तो हम ऐसा क्यों सोचें कि टीचिंग इससे अछूती रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि टीचिंग में भी इस टेक्नोलॉजी का प्रभाव पड़ेगा और जो गुरुकुल परंपरा थी वहां से अब हम ऑनलाइन टीचिंग की ओर आ गए हैं। तो हम टीचिंग में या एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते हैं, हम उसको अलग नहीं रख सकते हैं, हमको आज नहीं तो कल उसको अडॉप्ट करना ही है। और जितने जल्दी हम उसको अडॉप्ट करेंगे उतना अच्छा हमारे लिए होगा। तो हमको ये शुरुआत करनी ही है। और ऐसे सारे लोग जो अब तक ई लर्निंग पर या ई कंटेंट डेवलप नहीं करते हैं, मुझको लगता है कि आज के इस वर्कशॉप के बाद वो ई कंटेंट खुद से डेवलप करने लगेंगे। कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में। देखिए ये एक ब्रीफ आउटलुक ओवरव्यू है कि हमारे देश में जो एवोल्यूशन सिस्टम था, सॉरी जो एजुकेशन सिस्टम था उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, जस्ट मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बनाया हुआ है और हो सकता है कि इनका क्रम भी कुछ मिसमैच हो, पर इससे आपको एक आइडिया जरूर मिलेगा। हमने शुरुआत की थी गुरुकुल परंपरा से जो पूरी तरह से ओरल हुआ करती थी। फिर हम कुछ रिटर्न पे आए, ताड़ और भोजपत्र पे लिखा जाने लगा, उनके माध्यम से एजुकेशन दिया जाने लगा। फिर ब्लैकबोर्ड और चाक का सिस्टम आया, फिर उसका एक नया वर्जन आया व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर का। फिर ओवरहेड प्रोजेक्टर्स आए जिसमें हम ट्रांसपेरेंसीज बनाया करते थे और उस समय हम बहुत खुश हुआ करते थे कि हम जो ट्रांसपेरेंसीज में लिखते हैं वो एक बड़े स्क्रीन पर हम लोगों को दिखा सकते हैं। फिर स्लाइड प्रोजेक्टर का समय आया, बहुत सारे लोगों ने स्लाइड बनाई होगी इस तरह के प्रोजेक्टर के लिए। फिर LCD प्रोजेक्टर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और आज हम बात कर रहे हैं वर्चुअल क्लास की। वर्चुअल क्लास में टीचर तो है पर वो क्लासरूम में नहीं है, और स्टूडेंट भी है पर वो भी क्लासरूम में नहीं है। सब अपने अपने घरों पर, अपनी अपनी जगहों पर है, पर वहाँ का जो इन्वायरमेंट होगा क्लासरूम जैसा ही है। तो जैसे क्लासरूम में टीचिंग होती है वैसे ही हम वर्चुअल क्लासरूम में टीचिंग करते हैं। आज हम क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में है COVID-19 के कारण, तो हम ई लर्निंग की बात कर रहे हैं, पर ये ई लर्निंग बहुत नई नहीं है। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, उसमें भी इसका उल्लेख है कि हमको अपनी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम के साथ, तभी हम एजुकेशन को सभी के लिए समग्र रूप से उसका इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं। और इसी 1986 के एजुकेशन पॉलिसी पे ये लिखा हुआ है कि हमको शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग करना होगा। आप सोचिए आज से 34-35 साल पहले
जब कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा लिटरेसी नहीं थी, लोग नहीं जानते थे, और उस समय डिजिटल क्रांति हो रही थी, उस समय भी ये कहा गया था कि हमको अपने एजुकेशन सिस्टम में कंप्यूटर को इनकॉर्पोरेट करना ही होगा, उसको शामिल करना ही होगा। इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि ये जो इमेजेस हैं ये बहुत सामान्य हैं और आप सब इनको अपने घरों पर देखते हैं। जो हमारे बच्चे आ रहे हैं, जो हमारे नई पीढ़ी आ रही है, वो टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, बहुत ज्यादा उनके साथ फेमिलियर है, फ्रेंडली है। तो वो पैदा होते ही टेक्नोलॉजी को मोबाइल ऑपरेट करना, लैपटॉप ऑपरेट करना, टेबलेट ऑपरेट करना ये सीख जाते हैं। और अगर हमको उस पीढ़ी के साथ चलना है तो हमको टेक्नोलॉजी के साथ में यूज टू होना ही पड़ेगा, आप उससे किनारा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली है, तो हमको उनके साथ चलना होगा एज ए टीचर। अगर आप टीचिंग में नहीं है तो हो सकता है आपका काम चल जाए, पर क्योंकि हम टीचर्स हैं तो हमको उनके साथ चलना ही होगा। और आपके व्हाट्सएप पे इस तरह से अल्फाबेट्स आते हैं, मुझको भी किसी ने व्हाट्सएप पे भेजा था ये, कि आजकल अल्फाबेट्स का पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया है। अब हम ए फॉर एप्पल के बदले ए फॉर एप्पल, वी फॉर ब्लूटूथ पढ़ने लग गए हैं। और आप सोचिए कि अगर हम किसी बच्चे को वाई फॉर याक पढ़ाएं तो वो बहुत देर से समझेगा क्योंकि उसने कभी याक देखा नहीं है, पर आप वाई फॉर यूट्यूब पढ़ाएंगे उसको तो बहुत तेजी से उसको ग्रैप्स कर लेता है, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो समय के साथ में सारी चीजों को टेक्नोलॉजी ने परिवर्तित किया है और एजुकेशन भी इससे अछूता नहीं है, परिवर्तित हुआ है एजुकेशन सिस्टम भी, और हमको उसके साथ कदम से कदम बना करके चलना होगा। हम कुछ टूल्स के बारे में जाने, उससे पहले हम जान लें कि ई लर्निंग है क्या। बेसिकली ई लर्निंग कुछ नई चीज नहीं है, ई लर्निंग हमारी जो कन्वेंशनल लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, वही है, बस इस पर हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस को शामिल कर लिया है, इसलिए हम इसको वेब बेस्ड लर्निंग भी करते हैं। हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का, इक्विपमेंट को उपयोग करते हैं, गैजेट्स को उपयोग करते हैं, खासकर कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल, और हम सबको कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की हमको आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों को उपयोग करके जो लर्निंग होती है वो ई लर्निंग है। और ई कंटेंट क्या है? बेसिकली ई कंटेंट वह कंटेंट है जिनको हम डिजिटली ट्रांसफर कर सकते हैं, जिनको आप इंटरनेट के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर अगर आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं, अगर वो ट्रांसफरेबल है तो वो ई कंटेंट है। और ई कंटेंट में टेक्स्ट भी होते हैं, इमेजेस होती हैं, वीडियोस होते हैं जो हम बनाते हैं, ऑडियोज होते हैं जो हम रिकॉर्ड करके भेजते हैं, और कुछ एनिमेशन भी होते हैं। एनिमेशन किसी लेक्चर को समझने में बहुत मददगार होते हैं, खास करके साइंस के लेक्चर्स को, तो वो भी आप कैसे बना सकते हैं हम इस लेक्चर में आगे देखेंगे। अभी के समय में आपने देखा है कि ई बुक्स, ई ब्रोशर्स बहुत पॉपुलर हैं, जितने भी वेबिनार हो रहे हैं उनके ई ब्रोशर्स बना करके सर्कुलेट कर दिए जाते हैं, वो विद इन आवर्स पूरे देश में सर्कुलेट हो जाते हैं। ई जर्नल्स के बारे में आप हर कोई पूरी तरह से जानता है, क्योंकि जब भी हम रिसर्च पेपर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो पहले ये सिस्टम था कि हम उसको टाइप करके बाई पोस्ट भेजते थे जनरल के पते पे, एड्रेस पर, और फिर वहाँ से वो करेक्शन के लिए आता था, बहुत लंबा समय लगता था। पर आजकल ऐसा नहीं है, हम डिजिटली अपना रिसर्च पेपर वेबसाइट में सबमिट कर देते हैं जर्नल्स के, अगर करेक्शन है तो वहाँ से वो डिजिटली ही आ जाता है, हम डिजिटली करेक्शन करके भेजते हैं, और जो जर्नल्स है वो भी हमारे रिसर्च पेपर को डिजिटली पब्लिश कर देते हैं। तो बहुत तेजी के साथ में ये काम होता है और बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होता है। तो ई लर्निंग बिना ई कंटेंट के नहीं हो सकती। जब भी आप ई लर्निंग के लिए जाएंगे तो आपको ई कंटेंट डेवलप करना ही होगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, इमेज हो, ऑडियो, वीडियो, किसी भी फॉर्म में आपको ई कंटेंट डेवलप करना पड़ेगा। तो ई लर्निंग और ई कंटेंट को आप इस तरह से समझ लें कि जो ई लर्निंग है दैट इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस है, और ई कंटेंट है जो है वो एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट से हम प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो अगर आपको ई लर्निंग करनी है तो ई कंटेंट होगा ही, और आपके पास ई कंटेंट है तो आप ई लर्निंग कर सकते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अब हम देखें कि ये जो ई लर्निंग जब हम करते हैं, जिसकी बात आजकल बहुत ज्यादा हो रही है, उसके बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है, और हम शिफ्ट क्यों हो रहे हैं, और हमको होना क्यों चाहिए। क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ अगर हमको ई लर्निंग की ओर शिफ्ट होना है तो उसके कुछ बेनिफिट होने चाहिए।
सबसे बड़ा बेनिफिट तो यह है कि जो हमारी ई लर्निंग है वो इजीली एक्सेसिबल है, आप उसको बहुत अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को आप एक्सेस कर सकते हैं। आपने डेटा माइनिंग का नाम सुना होगा, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल बाबा के पास जाएं, तो आपको एक आप कीवर्ड वहां पर इंटर करते हैं तो उसके थाउजेंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, थाउजेंड्स ऑफ लिंक आपको मिल जाते हैं। आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सी जानकारी आपके लिए अब बेनिफिशियल है, कौन सी नहीं है, किसको लें किसको छोड़ें। तो हमारे पास ढेरों इंफॉर्मेशन है और आप उसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ई लर्निंग से जब हम ई कंटेंट यूज करते हैं ई लर्निंग के लिए, तो हमारी जो लर्निंग होती है वो इंटरेस्टिंग होती है। इसलिए भी इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इसमें हर चीज़ों का मिक्सअप है, इसमें टेक्स्ट भी है, इसमें ऑडियो भी है, इसमें वीडियो भी है। तो जब हम ऑडियो विजुअल साथ साथ दिखाते हैं बच्चों को, वो बहुत लंबे समय तक उनके दिमाग में स्टोर रहती है चीज़ें, बहुत लंबे समय तक उसको वो मेमोराइज कर सकते हैं, इंटरेस्ट क्रिएट होता है। जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो बहुत डेकोरेटिव हो जाता है। अगर आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या लर्निंग आप लर्निंग कर रहे हैं क्लासरूम में भी, तो बहुत डेकोरेटिव प्रेजेंटेशन होता है। और आप हम सब जानते हैं कि खाना टेस्ट में जैसा भी हो, अगर वो डेकोरेटिव है, उसको आपने अच्छे से सर्व किया सजा के, तो भूख लग ही जाती है। तो डेकोरेटिव प्रेजेंटेशन ई लर्निंग में, ई कंटेंट में आपको मिलेगा। फिर ये जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से आप उसको स्टोर कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप उसको कैरी भी कर सकते हैं। आप क्लाउड में उसको स्टोर कर दीजिए, आप पेन ड्राइव में स्टोर कर लीजिए, आप अपने मोबाइल फोन में स्टोर कर लीजिए, और आप जहाँ चाहें वो आप लेकर के जा सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे 100-100 बुक्स, ई बुक्स लेकर के कैरी कर सकते हैं, जो कि फिजिकल टेक्स्ट बुक के साथ में पॉसिबल नहीं है, तो कैरी करना आसान है। इसके अलावा इनको शेयर करना भी बहुत आसान है। आप समझिए, एक समय ऐसा रहा होगा जब किसी क्लास में 50 बच्चे हैं और टीचर्स के पास या उस डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी में एक ही टेक्स्ट बुक है, उसके हार्ड कॉपी है, और वो बुक 50 लोगों को चाहिए, तो टीचर उनको किस तरह से शेयर करते रहे होंगे। पर आज के समय में ऐसा नहीं है। अगर आपको डिजिटल फॉर्म में कोई बुक्स है तो आप इंस्टेंटली ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए, 50 लोगों का ग्रुप है अगर व्हाट्सएप ग्रुप, तो 50 लोगों को एक साथ वो टेक्स्ट बुक मिल जाती है, ई बुक मिल जाती है, जिसका उपयोग वो कर सकते हैं। तो इजी टू शेयर है। फिर इससे टाइम और फाइनेंस दोनों मिनिमाइज होता है, दोनों की बचत होती है। आप देखिए कि इस लॉकडाउन पीरियड में इतनी तेजी से वेबिनार्स हो रहे हैं, अगर हम इतनी तेजी से सेमिनार करने की बात करें जिसमें फिजिकल पार्टिसिपेंट्स आते थे, तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा टाइम लगता था, बहुत ज़्यादा हमको तैयारी करनी पड़ती थी, अब वो बहुत फाइनेंस लगता था। पर इस ई वर्कशॉप या ई वेबिनार पे आपको इन सारी चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत मिनिमाइज हो जाती है। मैंने खुद अभी पिछले महीने 2 वेबिनार करवाए हैं और बिना किसी खर्च के करवाए हैं, तो आपको टाइम और फाइनेंस दोनों बचेगा। और सबसे बड़ी बात यह, टीचर फ्रेंडली है और स्टूडेंट सेंट्रिक है। जो भी हमारा ई कंटेंट हम डेवलप करते हैं, जब भी टीचर इसको डेवलप करता है तो वो स्टूडेंट को सोच कर डेवलप करता है कि हम कौन से इमेज रखें, किस तरह का वीडियो बनाएं, किस तरह की रिकॉर्डिंग रखें, कौन सा इफेक्ट उस पर डालें। तो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। क्लासरूम टीचिंग में क्या होता है, वो टीचर सेंट्रिक है। टीचर्स को जो आता है, जितनी उसने तैयारी की अपने लेक्चर की, वो जाते हैं, डिलीवर करते हैं और 40 मिनट में बाहर जाते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट के साथ में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और स्टूडेंट भी आपके लेक्चर में इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरह से। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो टीचर्स सामान्य तौर पर फेस करते हैं, खासकर मैं उन टीचर्स की बात कर रहा हूँ जिनको शिक्षा के क्षेत्र में काफी लंबा समय हो गया है, जो 50+ हैं एज में। इन सबको कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती ही है, कुछ चैलेंजेस ये फेस करते ही हैं, और वो ऑब्वियस सी बात है। जो चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं वो है लैक ऑफ डिजिटल लिटरेसी का। एक अनुमान के तहत भारत में जो डिजिटल लिटरेसी है या कंप्यूटर यूजर्स की संख्या है वो 34-35% ही है। और इतने बड़े देश में अगर आप 35% लोग डिजिटली लिटरेट हैं, तो सोचिए कि कितना बड़ा चैलेंज है हमारे सामने ई लर्निंग का। हमको अपनी टेक्नोलॉजी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी अगर ले करके हम समग्र शिक्षा की बात करते हैं तो सभी लोगों के पास पहुंचना है, तो ये जो डिजिटल लिटरेसी है इसको बढ़ाना पड़ेगा। अधिकांश लोग तो इसी टेक्नोलॉजी के भय के कारण इसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फिर हमारे पास जो टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारी हमको जो फैसिलिटीज चाहिए,
उनके अवेलेबिलिटी भी है, हमारे पास उपलब्ध ही नहीं है। अगर उपलब्ध है तो इतने कॉस्टली हैं कि हम उनको परचेस नहीं कर पाते। कुछ प्रोफेशनल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उनको आसानी से परचेस कर लेते हैं क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, पर एज ए टीचर हम खुद नहीं कर पाते अपने लिए। तो ये जो डिजिटल रिसोर्सेज हैं, कॉस्टली होना, इसलिए भी हम बचने की कोशिश करते हैं। फिर पूर इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में हर कोई जानता है, और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, प्रिंसिपल साहब बता रहे थे कि हम 128 पोजिशन पर हैं पूरे विश्व इंटरनेट कनेक्टिविटी पे। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि हम शिक्षा को तकनीक के माध्यम से भी दूरस्थ अंचलों पे नहीं पहुंचा पा रहे हैं। एक और प्रॉब्लम है जो टीचर्स जिससे भय खाते हैं, वह है कि टेक्नोलॉजी में जो प्रोमिनेंट लैंग्वेज है वो इंग्लिश ही है। अधिकांश जो सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे कमांड इंग्लिश पे ही हैं, और भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो हिंदी के साथ अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करती है। तो इंग्लिश का प्रोमिनेंट लैंग्वेज होना इन सॉफ्टवेयर और टूल के साथ, ये भी हमारे सामने अवरोध है। और सबसे बड़ा अवरोध जो है वह है ह्यूमन माइंडसेट दैट प्रिवेंट्स एक्सेप्टिंग चेंजेस। हमारा दिमाग जो हमको नई चीज़ों को अडॉप्ट करने से रोकता है, नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने से रोकता है। अभी भी आपको बहुत सारे ऐसे पैरोकार मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं भाई साहब, हमारी क्लासरूम टीचिंग ही बहुत अच्छी है, टेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, ये बकवास है। पर ये कहना आसान है, पर आपको इनके साथ तो चलना ही होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। अगर आप अपना माइंडसेट चेंज कर लेते हैं तो ऊपर के जो 5 कारण हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, उनका कोई ना कोई विकल्प आपको मिलेगा। और यह हमारे लिए समय की मांग भी है कि हम ई कंटेंट डेवलप करें, क्योंकि हमारे सामने ऐसी स्थितियां आ गई हैं, उनको कंपेल किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा कि ई कंटेंट आपको डेवलप करने ही है, ई लर्निंग पर आपको शिफ्ट करना ही है। तो ज़्यादा अच्छा है कि हम स्वयं से इन सारी चीज़ों की ओर अपने आप को शिफ्ट कर लें। जब हम ई कंटेंट डेवलप करते हैं तो हमको कौन कौन से टूल्स चाहिए, ये भी हम देख लेते हैं। टूल्स की अगर बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ टूल्स हैं, और टूल्स का एक मकड़ जाल है जिसमें आप घूम जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को देखेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि इतने सारे टूल्स हैं और इन टूल्स के साथ हम करें क्या, कैसे डील करें। अभी हम आगे चल करके देखेंगे इस साइड पे कि कितने सारे टूल्स का हम उनको कैसे सेलेक्ट करना है। पहले आप ये देख लें कि टूल्स कौन कौन से चाहिए। ई कंटेंट के लिए हमको कुछ ऑडियो एडिटिंग टूल्स चाहिए, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर चाहिए जिनसे हम ऑडियो को एडिट कर पाएं, कुछ इफेक्ट उनमें डाल पाएं, कुछ नई चीज़ें जोड़ पाएं, दो तीन ऑडियो को मिक्स कर पाएं, इस तरह के कुछ टूल्स की जरूरत हमको पड़ेगी। क्योंकि ई कंटेंट में वीडियो भी होता है तो आपको वीडियो एडिटिंग टूल्स भी पड़े की भी जरूरत पड़ेगी। हम आगे डिस्कस करेंगे कितने तरह के टूल्स हैं, कौन कौन से आप प्रीफर कर सकते हैं, और मैं अपनी तरफ से आपको उन सब में एक एक टूल्स रिकमेंड भी कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उन टूल्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आपको वीडियो एडिटिंग टूल्स भी चाहिए, आपको एनिमेशन टूल्स भी चाहिए। अगर आप साइंस का लेक्चर तैयार कर रहे हैं जिसमें आप दिखाना चाहते हैं कि शरीर में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, हार्ट की बीटिंग किस तरह से हो रही है, प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है, अगर आप एनिमेशन के थ्रू दिखाना चाहते हैं तो एनिमेशन टूल्स की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको कुछ ग्राफिक टूल्स की भी जरूरत पड़ेगी जिनसे हम इमेजेस को एडिट करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं, नए इमेजेस बनाते हैं, तो इमेज के लिए आपको ग्राफिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। और आपको जरूरत पड़ेगी एक ऑथरिंग टूल्स की। ये ऑथरिंग टूल्स क्या है, आप देखें, अगर हम एक वीडियो लेक्चर बनाते हैं तो उस वीडियो लेक्चर में साउंड भी होता है, वीडियो भी होता है, एनिमेशन भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम वीडियो लेक्चर में लाए कैसे, उनको इंटीग्रेट कैसे करें। तो इंटीग्रेशन करने के लिए जिस टूल का उपयोग हम करते हैं वो ऑथरिंग टूल्स कहलाता है। तो उन सारी चीज़ों को जो ऑडियो वीडियो टेक्स्ट एनिमेशन आपके पास आए, आप उनको इंटीग्रेट करके एक अच्छा सा ई कंटेंट इन्हीं ऑथरिंग टूल्स की मदद से क्रिएट करते हैं। तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल करके। ये जितने भी टूल्स हैं इनके तीन कैटेगरीज हैं, तीन तरह की कैटेगरीज आपको मिलेगी, अवेलेबल हैं। एक है फ्रीवेयर, ये पूरी तरह से फ्री हैं, आप इनको डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से और यूज करना शुरू कर दीजिए, आपको इनके लिए एक रुपए भी पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री सॉफ्टवेयर। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो कहलाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी ऑलमोस्ट फ्री होता है। इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो सोर्स कोड होता है वो अवेलेबल होता है इंटरनेट पर, और इस सॉफ्टवेयर को कोई भी इन्हेंस कर सकता है, उसमें एडिट कर सकता है।
जिनको कोडिंग आती है, जिनको प्रोग्रामिंग आती है, वो सोर्स कोड को डाउनलोड करते हैं और उस सॉफ्टवेयर में अगर उनको लगता है कि कुछ अपग्रेडेशन करना है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। तो एक कम्युनिटी होती है और वो कम्युनिटी इस तरह के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करती है, ये भी फ्री ही होते हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है टूल्स की, वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको परचेस करना होता है, इन पर किसी पर्टिकुलर डेवलपर का मालिकाना हक होता है और आप परचेस करते हैं इनको पैसे से। तो तीन तरह की कैटेगरीज हैं। हमको ऊपर की जो दो कैटेगरी हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि यही हमारे लिए काम की है, जो फ्रीवेयर्स हैं और जो ओपन सोर्स से हम जिनको डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा OBS आपने देखा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो इनका उपयोग हम कर सकते हैं। ये इमेज है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से इन टूल्स का मकर जाल है और अधिकांश लोग इन्हीं में गुम जाते हैं। ये तो बहुत पुराना रिकॉर्ड है जॉन हार्ट का, जो उन्होंने 2018 में दिया था, इंटरनेट पे ये इमेज अवेलेबल है, मैंने वहीं से लिया हुआ है। उनकी स्टडी थी और उन्होंने इन सारे टूल्स को कई छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो 2018 में ये टॉप मोस्ट 200 जो टूल्स थे उनकी लिस्टिंग है, इससे ज़्यादा भी थे, और अभी 2020 में तो इनकी संख्या डबल से भी ज़्यादा हो गई होगी। इतने सारे टूल्स हमारे पास हैं। अब ये सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम इनमें से किस टूल्स का सिलेक्शन करें। अधिकांश लोग केवल टूल्स को इंस्टॉल करने और अनइंस्टॉल करने में ही अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं और वो ई कंटेंट डेवलप करना जो उनका प्राइमरी मोटो है उससे दूर हट जाते हैं। अब देखिए इतने सारे टूल्स हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन पर, फिर भी ये जो सर्कल बना हुआ है इसमें वही टूल्स हैं जो समान तौर पर यूज होते हैं और हमको भी यूज करना, ये टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर मोस्ट यूजफुल टूल्स हैं जिनमें YouTube, PowerPoint, Word, Google, Zoom, WhatsApp, Kahoot और Google Docs है, इनका उपयोग हमको करना है। तो मेरे भी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन टूल्स के मकर जाल पे बिल्कुल मत फंसिएगा। आपको एक टूल सेलेक्ट कर लेना है और उसी पे अपना वीडियो कंटेंट जो आपका ई कंटेंट है वो डेवलप करते रहना है। सबकी अपनी अलग अलग पसंद हो सकती है, मैं जिस पे काम कर रहा हूँ हो सकता है आपको वो ईजी ना हो, आपको सूट ना करे, आप किसी दूसरे पर भी करें, पर आप जिस सॉफ्टवेयर पे जिस टूल पर काम कर रहे हैं उसी पर ही आप अच्छे से काम कीजिए, मास्टरी लीजिए, इन सब के तरफ भागने की जरूरत नहीं है। तो हम टूल्स कैसे सेलेक्ट करें उसके लिए कुछ टूल्स हैं जो कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको अपने तरफ से देना चाहता हूँ, हो सकता है ये आपके लिए मददगार हो। सबसे पहली चीज़ आपको ये देखनी है कि ये जो आपके टूल्स या सॉफ्टवेयर हैं वो इजीली अवेलेबल होने चाहिए। तो नेट में अगर ये अवेलेबल है वो इजीली अवेलेबल कहलाता है, तो आप इजीली अवेलेबल आपके लिए होना चाहिए, जब चाहे आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री होने चाहिए या पॉकेट फ्रेंडली होने चाहिए, फ्री है बहुत अच्छी बात है, या बहुत ज़्यादा महंगे ना हो, वो जिनको आप परचेस कर सकते हो तो आप उनकी तरफ जाइए, अदरवाइज फ्रीवेयर्स आपके लिए बेस्ट हैं। तो फ्री होने चाहिए, ईजी टू यूज़ होना चाहिए, जो इनका इंटरफेस है वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपको उसमें दिक्कतें नहीं आनी चाहिए, तो उसका इंटरफेस बहुत बहुत आसान होना चाहिए ताकि आप पढ़ पढ़ के ही उन सारी चीज़ों को सीख लें। कई बार जो कमांड होते हैं वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं, आप कमांड को पढ़िए और वो एक्सप्लेन करते हैं कि उनसे क्या होना है, तो इस तरह का इंटरफेस उनका होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत ना पड़ती हो, एक सामान्य से व्यक्ति भी इनको डाउनलोड कर ले, इंस्टॉल कर ले, तो टेक्निकलिटी उस पर बहुत ज़्यादा ना हो, आसान हो, इस तरह का टूल्स आप यूज़ करेंगे। आपको ये भी देखना है कि वो जो पर्टिकुलर टूल्स है आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, जो भी आपकी नीड्स हैं उन सबको वो फुलफिल करता हो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लास्ट टिप ये है कि एक बार अगर आपने टूल्स को सेलेक्ट कर लिया तो उसके साथ बने रहिए, आप स्टिक विथ इट। आप उसको डाउनलोड करके, अरे आज तो मैंने ये टूल्स के बारे में पढ़ा है या मुझको इन्होंने बताया है, मैंने YouTube में देखा ये टूल्स अच्छा है, तो आप अपने पुराने टूल्स को छोड़ते हैं, अनइंस्टॉल करते हैं, नया टूल्स इंस्टॉल करते हैं, और उससे बिना वजह का एक तो समय बर्बाद होता है, आपका माइंड डाइवर्ट होता है। आप किसी भी तरह के टूल का उपयोग करें सारे एक जैसे हैं, वीडियो एडिटिंग टूल्स ऑलमोस्ट सारे एक जैसे हैं, आप किसी का भी उपयोग कर लीजिए, इमेज एडिटिंग टूल सारे एक जैसे ही काम करते हैं। तो आपके पास जो है आप उन्हीं के साथ बने रहिए, उन्हीं का यूज़ आप करते रहिए।
तो ये कुछ टिप्स हैं जिनके आधार पर आपको टूल्स सेलेक्ट करना है। अब हम कुछ टूल्स के बारे में जान लेते हैं, कुछ जो पॉपुलर टूल्स हैं उनकी मैंने लिस्टिंग की हुई है, और चूंकि हम जूम के माध्यम से ये प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो मुझको लगता है लाइव इसका मुझको लगता है कि हम इसको लाइव करके देख नहीं सकते, हैंड्स ऑन नहीं कर सकते हैं, तो मैंने कुछ टूल्स यहाँ पर लिस्टिंग की हुई है। इनमें से जो आपको अच्छा लगता है आप डाउनलोड कीजिएगा, उनको उपयोग कीजिएगा। ऑडियो एडिटिंग टूल्स में हम जो सबसे पॉपुलर टूल्स उपयोग में लाते हैं, जो सॉफ्टवेयर उपयोग में लाते हैं, वो है ऑडासिटी का। इसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले श्रीनिवासन सर ने भी चर्चा की थी। ऑडासिटी ये बहुत पॉपुलर टूल है, और अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, खासकर लैंग्वेजेस के टीचर्स हैं, अगर आप हिस्ट्री के टीचर्स हैं, आपको ऑडियो बनाना है अपने लेक्चर का, तो ऑडासिटी इज अ बेस्ट सॉफ्टवेयर है आपके लिए। फ्री है, ओपन सोर्स है, और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। रिकॉर्ड रिकॉर्ड करते हैं वीडियो या ऑडियो में, तो अक्सर ऐसा होता है जब हम घर, चाहे वो पंखे की आवाज हो, चाहे एसी की हो, चाहे माइक की ही आवाज क्यों ना हो, तो हमारे ऑडियो के साथ में एक बैकग्राउंड नॉइज भी होता है। उस बैकग्राउंड नॉइज को आप सेलेक्ट करके रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑडासिटी से कराओके और एकापेला भी बना सकते हैं। अगर आप म्यूजिक में इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए मददगार हो सकता है। कराओके का मतलब क्या है ये तो सब आप जानते हैं, कि किसी गाने से हम वोकल निकाल दें तो जो म्यूजिक बजता है वो कराओके है, और अगर हम गाने में से म्यूजिक निकाल दें, केवल वोकल बजता है, तो उसे एकापेला कहा जाता है। तो इन सारी चीजों के लिए आप ऑडासिटी का उपयोग कर सकते हैं, और ये बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है। जितने भी टूल्स मैं बता रहा हूँ आपको, इन सारे के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पर मौजूद हैं, आप चाहें तो वहां से देख करके इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और आसानी से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑडासिटी ये बेस्ट ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, और अगर आप अभी तक कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करते हैं तो आप ऑडासिटी का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है ये वेबपेड है, ये मोबाइल पर भी काम करता है। अब इसका फ्री वर्जन भी है, पर अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको प्रोफेशनल वर्जन इसका मिलता है, और जितने भी बेसिक फीचर्स हैं ऑडियो एडिटिंग के, वो सारे आपको वेबपेज में मिल जाएंगे। तो अगर आप मोबाइल में यूज करना चाहते हैं तो वेबपेज का उपयोग आप कर सकते हैं, ये पीसी और मोबाइल दोनों पर काम करता है। और तीसरा जो ऑडियो एडिटिंग टूल्स है वो है साउंड फोर्स का, ये बेसिकली प्रोफेशनल लोगों के लिए है जो प्रोफेशनली तौर पर वीडियो बनाते हैं, वीडियो लेक्चर्स तैयार करते हैं, वो साउंड फोर्स का उपयोग करते हैं। ये लाइसेंस्ड है, इसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और इसके साथ है बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है काम करने में। तो अगर आप प्रोफेशनल यूज के लिए कोई ऐप या टूल्स उपयोग में लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप साउंड फोर्स पे जा सकते हैं। अदरवाइज ऑडियो एडिटिंग टूल्स पे ऑडासिटी इज द बेस्ट टूल है, तो आप उसका उपयोग कीजिएगा। फिर चूंकि हम ई कंटेंट डेवलप कर रहे हैं तो हमको उसके साथ में वीडियो भी चाहिए, और एक बार जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बाद में हमको उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स करनी होती है। कहीं पर हम इमेज डालते हैं, कहीं पर हमको कुछ एनिमेशन डालना होता है, कहीं पर आपको लगता है कि ये ठीक से रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसको हम डिलीट कर दें, अलग कर दें, तो उसके लिए आपको कुछ वीडियो एडिटिंग टूल्स चाहिए। जो सबसे ईजी वीडियो एडिटिंग टूल है वो विंडो मूवी मेकर है, जो आपके कंप्यूटर में विंडो कंप्यूटर के साथ में इनबिल्ट होता है, साथ में ही आता है। 2017 से विंडो मूवी मेकर को रिप्लेस कर दिया गया है। अगर आपके पास पुराना सिस्टम है तो उसमें विंडो मूवी मेकर होगा, और अगर आपने नया सिस्टम लिया 2017 के बाद तो उसमें ये रिप्लेस हुआ है वीडियो एडिटर के द्वारा। तो ये जो मूवी मेकर या वीडियो एडिटर है ये इनबिल्ट है, इसके लिए आपको अलग से ना ही कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ना ही इंस्टॉल करना है, ना ही आपको किसी तरह से पैसे खर्च करने हैं, ये आपके कंप्यूटर में मौजूद है और इसमें सारी बेसिक चीजें आप कर सकते हैं। तो आप इनिशियल लेवल पर जो वीडियो एडिटिंग का काम होता है वो इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा स्किल की भी जरूरत नहीं है। दूसरा जो वीडियो एडिटिंग टूल है वो है फाइनल कट। ये जो फाइनल कट है ये केवल मैक के लिए, यानी जो एप्पल के मैकबुक यूज करते हैं उनके लिए है, और ये लाइसेंस होता है, तो जो विंडो कंप्यूटर है उन पर ये काम नहीं करेगा,
जो प्रोफेशनल यूजर हैं जो मैकबुक का उपयोग करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, वो फाइनल कट प्रो का उपयोग करते हैं और ये बहुत बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। वैसे भी एप्पल के जितने प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं, तो एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, पर विंडो यूजर्स इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो ये केवल मैक के लिए है। तीसरा जो वीडियो एडिटिंग टूल्स है ये सोनी का वेगास है, इस टूल का उपयोग भी काफ़ी लोग करते हैं, ये लाइसेंस्ड है, पर अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे नेट से तो 30 डेज का आपको इसका ट्रायल वर्जन मिलता है, 30 दिन तक आप इसको बिना पैसे के खर्च कर सकते हैं। इसमें आप डॉल्बी डिजिटल सराउंड साउंड मिक्स कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं और वीडियो के साथ साथ ऑडियो भी आप एडिट कर सकते हैं। इस पर कई सारे ट्रैक्स बने हुए होते हैं और हर ट्रैक पर आप एक एक इंडिविजुअल ट्रैक को एडिट कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़े पैसे खर्च करना चाहते हैं तो सोनी वेगास का उपयोग आप कर सकते हैं। जो चौथा टूल है जो सबसे पॉपुलर है और अवार्ड विनिंग है वह है ओपन शॉट का, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी पहले स्पीकर के साथ में। ये फ्री ओपन सोर्स है और अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर है और अधिकांश लोग जो एकेडमिक हैं एकेडमिशियन है वो सब ओपन शॉट का उपयोग करते हैं। मैं खुद ओपन शॉट का उपयोग करता हूँ और अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो ओपन शॉट एक सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है आपके लिए और आप चाहे तो इसका उपयोग करना शुरू कर सकते हैं। आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कीजिए और इसमें आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडो पे भी चलता है, लिनक्स पे भी चलता है, अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं उस पर भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें आप एनिमेशन क्रिएट भी कर सकते हैं और इसमें जो फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जैसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं बिल्कुल उसी तरह से ओपन शॉट भी आप उपयोग में ला सकते हैं। तो ये रिकमेंडेड है, अगर आपको यूज़ करना है वीडियो एडिटिंग टूल तो आप ओपन शॉट यूज़ कीजिए अपने कंप्यूटर पर। एक दूसरा वीडियो एडिटिंग टूल है जिसको फिल्मोरा कहा जाता है, इसे भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, ये लाइसेंस्ड है, इसको खरीदना पड़ता है, पर अधिकांश लोग इसका क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो फ्री में भी लोग यूज़ कर पाते हैं। ये भी एक बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है और इसमें भी आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। तो ये कुछ नाम है जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जो फिल्मोरा में आपको मिलेगा वही आपको ओपन शॉट में भी मिलेगा या और बाकी जो टूल्स हैं सॉफ्टवेयर उनमें भी मिलेगा। आप किसी एक को जो आपको सूट करता हो उनके लिए आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आप पहले से कोई टूल्स यूज़ कर रहे हैं तो उसी के साथ बने रहिए, तो आप फिल्मोरा को यूज़ कर सकते हैं। और एक फ्री सॉफ्टवेयर और है जिससे हम वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो है लाइटवर्क्स, जो स्वयं में आपने वीडियो देखा है अधिकांश लोग लाइटवर्क्स का उपयोग करते हैं, स्वयं के या NPTEL के निट्टर के जो वीडियोस बनते हैं वो लाइटवर्क्स वीडियो एडिटिंग टूल का उपयोग करके उनका प्रिपेयर करते हैं, डेवलप करते हैं, तो आप चाहें तो इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ये भी फ्रीवेयर है, इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर और इससे आप लीनियर वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वैसे लीनियर वीडियो एडिटिंग को सभी सॉफ्टवेयर साथ कर सकते हैं। तो ये 6 वीडियो एडिटिंग टूल्स हैं, उनमें से ओपन शॉट मेरे तरफ से रिकमेंडेड है, अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो ऑडियो एडिटिंग टूल्स में आप ऑडासिटी, वीडियो एडिटिंग टूल में आप ओपन शॉट का उपयोग करेंगे। फिर कुछ ग्राफिक टूल्स भी चाहिए क्योंकि आपको अगर अपना वीडियो लेक्चर बनाना है या ई कंटेंट डेवलप करना है तो उसमें कुछ इमेजेस भी होती हैं और वो इमेजेस हम क्रिएट करते हैं या पहले से जो इमेज उनको हम मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, उसके लिए आपको कोई टूल्स चाहिए। जो सबसे बेसिक टूल है जो सबके कंप्यूटर पे है, विंडो कंप्यूटर पे, जिसको आपको कहीं से परचेस करने की डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, वो है विंडो का पेंट। आजकल ये पेंट 3D के नाम से भी आने लगा है और आपने इस प्रेजेंटेशन के शुरू में 2-3 इमेजेस जो देखी हुई हैं उनको मैंने इस पेंट के माध्यम से ही एडिट किया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है। तो ये बेसिक सॉफ्टवेयर है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है। आपने देखा है जो बच्चे हैं जो KG1 KG2 में पढ़ते हैं उनकी कंप्यूटर क्लास में भी पेंट के बारे में उनको पढ़ाया जाता है, तो इसको बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत थोड़े से कमांड में आप एक अच्छी इमेज क्रिएट कर सकते हैं, किसी इमेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं और इसको आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं, डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपको इनिशियल लेवल पे आप काम करना शुरू करना चाहते हैं, अपने घर से ही ई कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का पेंट यूज़ कर सकते हैं। जो दूसरा सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं वो है ड्रॉपैड का। ड्रॉपैड का उपयोग हम करते हैं इमेज को के कंपोजिशन के लिए, आप अलग अलग तरह की इमेजेस को मिक्स करने के लिए, जोड़ने के लिए, उनको मैनिपुलेशन करने के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए,
पेंटिंग के लिए, ड्राइंग के लिए, और अगर आप पर्सनली इस सॉफ्टवेयर को उपयोग करते हैं तो ये आपको फ्री मिल जाएगा। प्रोफेशनली या कमर्शियल यूज के लिए आपको इसको परचेस करना होता है, कुछ लिमिटेशन के साथ में आप इसको यूज कर सकते हैं पर्सनली। तो ड्रॉपैड एक बहुत अच्छा आपके लिए सॉफ्टवेयर हो सकता है। और आपने देखा है जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज होती है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके जो ग्राफिक्स बनते हैं घरों के, सड़कों के, कॉलोनीज के, वो अधिकांश तौर पर ड्रॉपैड पे ही बनाए जाते हैं। फिर जो तीसरा पॉपुलर टूल्स और सॉफ्टवेयर है वो है फोटोशॉप, जो कि पॉपुलर है, हर कोई इसका उपयोग करता है, और ये इतना पॉपुलर हो गया है कि जो भी एडिटेड फोटो होती हैं, चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर से एडिट की गई हो, हम कह देते हैं कि फोटोशॉप है। दो अलग अलग फोटो हैं तो आप कहते हैं कि फोटोशॉप पिक्चर है। ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, लाइसेंस्ड है, पर अधिकांश लोग इसको क्रैक वर्जन यूज करते हैं फ्री में। आपके पास भी अगर कंप्यूटर होगा तो मुझको लगता है कि उसमें फोटोशॉप होगा। इसपे जो सबसे अच्छी चीज़ है वो इसका लेयरिंग कॉन्सेप्ट है। इसका कई सारी लेयर्स बनाते हैं और एक लेयर को अफेक्ट किए बिना दूसरी लेयर को एडिट कर सकते हैं, उन सारी लेयर को मिक्स कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, किसी लेयर को हटा सकते हैं। तो जो लेयरिंग कॉन्सेप्ट है फोटोशॉप का, वो बहुत बेहतरीन है और इसीलिए इतना पॉपुलर भी है। तो आप चाहे तो इसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा ये टेक्निकल है, थोड़ा इस आपको इस मेहनत करनी पड़ेगी सीखने के लिए, पर अगर आपको फोटोशॉप एक बार काम करना आ गया तो बहुत बेहतरीन आप इमेजेस या ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जो चौथा ग्राफिक टूल्स है हमारे पास वो है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। ये फोटोशॉप का अल्टरनेट है, आपके पास फ्री सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं GIMP को। और ये जो GIMP है इसमें आपको वही सारे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो आपको फोटोशॉप में मिलते हैं। इसमें भी आप लेयरिंग एडिट कर सकते हैं, लेयरिंग कॉन्सेप्ट इसमें भी है, तो आप चाहे तो GIMP का उपयोग कर सकते हैं। और मेरी तरफ से जो रिकमेंडेशन है वो GIMP की है, आप चाहे तो कोई दूसरा भी यूज करें, पर GIMP एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है ग्राफिक डिजाइन के लिए। अगर आप पेंट का उपयोग करना चाहते हैं पेंट कीजिए, और उसके बाद अगर आप थोड़ा एडवांस सॉफ्टवेयर पर जाना चाहते हैं तो GIMP आपके लिए एक बेहतरीन टूल साबित हो सकता है। अगर आपको लगातार ट्रेवल करना पड़ता है, अगर आप जगह अपनी बदलते हैं, तो आपके लिए ग्राफिक डिजाइन का ग्राफिक टूल जो हो सकता है वो स्केचअप हो सकता है। इसका उपयोग आप कर सकते हैं, इससे आप 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं, पाइपलाइन बना सकते हैं। अगर आप कुछ मॉडल बनाना चाहते हैं साइंस के, फिजिक्स के, तो आप 3D इमेजेस इनसे डिजाइन कर सकते हैं। स्केचअप के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है कि इसमें आपको डाउनलोड करने की कोई जरूरत नहीं है किसी चीज को। आप इसमें साइन इन कीजिए अपना अकाउंट बना करके, आप ऑनलाइन इस पे अपना ग्राफिक डिजाइन करेंगे, जो इमेजेस हैं उनको आप एडिट करेंगे, और आप जहां भी जाएं आप लॉगिन कीजिए और वहां से आपको ये आपका जो एडिटेड प्रोजेक्ट है वो मिल जाएगा। तो अगर आप लगातार मूव करते हैं या अलग अलग जगहों पर काम करते हैं तो स्केचअप एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, और इससे आप अपना जो प्रोजेक्ट हुआ है उसको लेकर के कहीं भी जा सकते हैं। ऑनलाइन वर्क के साथ साथ चलेगा, तो उसका बैकअप लेकर के आपको पेन ड्राइव में, हार्ड डिस्क में या लैपटॉप में लेके जाने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनका उपयोग आपको करना है इसको क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए। फिर
चौथी चीज जो हमको ये कंटेंट चाहिए होती है वो है एनिमेशन। मैंने पहले भी कहा है कि एनिमेशन से हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। हम बच्चों को एनिमेशन में स्टोरीज दिखाते हैं, वो स्टोरी हम उनको वीडियो में भी दिखा सकते हैं, पर एनिमेशन को वो बहुत अच्छे से कैच अच्छे से समझते हैं और उनमें इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो अगर हमको स्टूडेंट को कुछ एनिमेशन दिखाना है, कुछ बॉडी पार्ट्स की फंक्शनिंग दिखाना है, तो आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। और एनिमेशन क्रिएट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर हैं जिनका उपयोग किया जाता है। हालांकि ये आप अपने पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं, आगे चल करके हम देखेंगे। एनिमेशन पेपर एक सॉफ्टवेयर है, ये भी फ्री है और इसे आप 2D एनिमेशन कर सकते हैं। इस पर आपको डेप्थ नहीं मिलेगी, पर 2D एनिमेशन आप आसानी के साथ में क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप डायरेक्ट स्क्रीन पे ड्रा कर सकते हैं। कोई इमेज मेरी स्क्रीन पे आप देखें, लेफ्ट साइड में लोअर कॉर्नर पर जो इमेज बनी हुई है, इसी तरह का एक स्क्रीन आएगा आपके कंप्यूटर पर और उस पर आप डायरेक्ट ड्रा कर सकते हैं किसी इमेज को, या आप हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। हाथ से ड्रॉ करके आप अपनी इमेजेस को इस पर डाल सकते हैं अलग अलग फ्रेम में, और उन सारे फ्रेम्स को जोड़ करके ये एनिमेशन क्रिएट करता है। तो एनिमेशन क्रिएशन के लिए, 2D एनिमेशन क्रिएशन के लिए आप एनिमेशन पेपर का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा जो सॉफ्टवेयर है एनिमेशन टूल्स जो है एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, वो ब्लेंडर है, जो बहुत पॉपुलर है और अधिकांश लोग एनिमेशन बनाने के लिए ब्लेंडर का ही उपयोग करते हैं। इससे आप 3D एनिमेशन बना सकते हैं। इसमें आप पाइपलाइन मॉडलिंग, रिंगिंग, एनिमेशन, सिमुलेशन, सिमुलेशन मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की एक्चुअल सिचुएशन पैदा करते हैं, तो इसमें सिमुलेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। किसी को अगर कोई इम्पैक्ट शो करना है, किसी को कोई इम्पैक्ट बताना है कि कोई चीज़ कैसी हो सकती है, तो सिमुलेशन आप डेवलप कर सकते हैं। मोशन ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो आपके एनिमेशन के लिए जितनी भी चीज़ें की जरूरत आपको पड़ती है, जो भी आप सोच सकते हैं, जो भी आपकी इमेजिनेशन है, वो सब ब्लेंडर से पूरी हो सकती है। तो ये एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप चाहें तो इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक स्ट्राइक्स भी है जिसमें हम 2D मॉडलिंग करते हैं। ये बहुत बेसिक सा है, फ्री सॉफ्टवेयर है, एनिमेशन टूल्स है, और इसमें भी आप अलग अलग फ्रेम बना करके उनको एनिमेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्ट्राइक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये बहुत एडवांस्ड नहीं है, पर इसका जो इंटरफेस है बहुत यूजर फ्रेंडली है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप जाएंगे, कमांड को देखते जाएंगे, आपको समझ में आता जाएगा कि हमको आगे करना क्या है। तो बहुत यूजर फ्रेंडली है। तो अगर आप एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो आप ब्लेंडर का उपयोग कीजिए, इसको डाउनलोड कीजिए अपने सिस्टम पे और आप इसका उपयोग कीजिए। जितने भी टूल्स हैं ये प्राय सब कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए हैं, एंड्रॉयड के लिए उपयोग में नहीं लाए जा सकते हैं। तो हमने कुछ टूल्स पढ़ लिए और उन टूल्स से अब हम जब इमेज बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, तो उन सबको हमको एक लेक्चर के ऊपर तैयार करना है, उनको इंटीग्रेट करना है। तो हमको कुछ अथरिंग टूल्स चाहिए होंगे। ये अथरिंग टूल्स कौन कौन से हैं? जो सबसे इजीली अवेलेबल टूल्स है, जो सबके सिस्टम में इनबिल्ट है, वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट। इसका उपयोग आप कर सकते हैं एक ई कंटेंट को डेवलप करने के लिए। इस पर मैंने एक लेक्चर भी यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ था, पावर पॉइंट 365 का। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसपे हर कोई काम कर सकता है, हर कोई यूजफुल है, इसका उपयोग आप कर सकते हैं। इस पर आप हाइपरलिंक्स भी दे सकते हैं, इस पर आप यूट्यूब वीडियो को एम्बेड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑफिस 365 है तो उस पर आप जाकर के सीधे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी हम आगे चल करके देखेंगे, वीडियो लेक्चर आपको वहीं बन जाएगा पावर पॉइंट से। अगर आपके पास ऑफिस 2019 है तो इसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा दी हुई है। ये आपको अगर आपने सिस्टम नया लिया हुआ है तो जो 10th जनरेशन अभी सिस्टम आ रहा है उसमें विंडो के साथ में इंटीग्रेटेड है ऑफिस 2019, और इसमें आपको जब आप रिकॉर्ड स्लाइड्स पे जाएंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। आप 2019 को 10th जनरेशन से नीचे के जनरेशन वाले सिस्टम यूज करेंगे तो इस पर केवल नरेशन का ऑप्शन आता है, उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, पर 10th जनरेशन पे आपको ये मिल जाएगा। और ऑफिस 365 आप जिस भी सिस्टम में यूज करें उसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है। तो ये इनबिल्ट होता है सिस्टम के साथ में, हर कोई पावर पॉइंट स्लाइड बनाना जानता भी है, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं अथरिंग टूल्स के लिए। एक चीज मैंने लिखी हुई है कि ये एनिमेशन में भी उपयोग में लाया जाता है। अब तक तो आप यही जानते होंगे कि पावर पॉइंट का उपयोग हम
स्लाइड शो बनाने के लिए करते हैं, प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं, पर आप छोटे मोटे एनिमेशन बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई एनिमेशन टूल्स नहीं है तो बहुत बेसिक जो एनिमेशन है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों को दिखाने के लिए ही आज सुबह ही मैंने एक एनिमेशन क्रिएट किया है पावर पॉइंट से। ये बहुत सिंपल सा एनिमेशन है, एक बर्ड फ्लाई कर रही है, और ये जो एनिमेशन है यह पावर पॉइंट के माध्यम से ही बना है। इसमें केवल दो ही इमेजेस हैं, उन दो इमेजेस में तो मैंने अलग अलग स्लाइड पे लिया हुआ है, और 5-7 स्लाइड पे इमेज को मैंने आगे बढ़ते हुए क्रम पे सेट करके इसको वीडियो में कन्वर्ट कर लिया है पावर पॉइंट से ही। तो ये जो हमारी स्लाइड थी जिसमें अलग अलग पिक्चर हमने रखी हुई है, अलग अलग फ्रेम में रखी हुई है, वो आपको इस तरह से एनिमेशन के रूप में दिखाई देने लगी थी। तो पावर पॉइंट से आप एनिमेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरा ऑफरिंग टूल्स हमारे पास उपलब्ध है वो है आई स्प्रिंग का। ये भी बहुत पॉपुलर है, और आई स्प्रिंग में आपको बहुत सारे काम आप आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। इसको आपको परचेस करना होगा, थोड़े समय के लिए आप ट्रायल वर्जन यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आई स्प्रिंग आपको परचेस करना होगा। इस सॉफ्टवेयर के साथ अच्छी चीज ये है कि ये आपके पावर पॉइंट के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। जब भी आप पावर पॉइंट खोलेंगे आई स्प्रिंग का वहां पर आपको टैब दिखाई देगा। इसमें आप पीपीटी को सीधे फ्लैश फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आप असेसमेंट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों के लिए, जैसे हम गूगल फॉर्म में क्वेश्चनेयर बनाते हैं उसी तरह का आप असेसमेंट तैयार कर सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं आई स्प्रिंग के द्वारा। आई स्प्रिंग से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो के लिए कोई स्क्रीन चाहिए वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और आप कोई कोर्स भी डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कोई कोर्स चलाना चाहते हैं 1 वीक का 2 वीक का बच्चों के लिए, तो उसकी फैसिलिटी भी आपको आई स्प्रिंग में मिल जाती है। तो आप कोर्स भी उस पर चला सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो आप कोर्स डिजाइन कीजिए, आप उसका असेसमेंट कीजिए, ये सारा काम आई स्प्रिंग के साथ में हो सकता है। तो ये भी एक अच्छा ऑफरिंग टूल आपके पास है, अगर आप थोड़े पैसे खर्च कर सकते हैं तो आई स्प्रिंग पे आप जा सकते हैं। फिर एक फ्री सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये भी ऑफरिंग टूल्स है, जिसमें आप टेक्स्ट मैसेज, आपके जो इमेजेस हैं, जो साउंड्स हैं, उन सबको इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो EXE लर्निंग है। ये भी फ्री है, अवेलेबल है इंटरनेट पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे भी आप जिस तरह से काम आप वीडियो कंटेंट बनाने के लिए करते हैं, चाहे वो आई स्प्रिंग में हो चाहे आप पावर पॉइंट में हो, उसी तरह से ये काम आप कर सकते हैं। तो EXE एक फ्री टूल है जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। एक्टिव प्रेजेंटर की बात आप जानते ही हैं, फ्री है और इसमें सारे सॉल्यूशन आपके लिए मौजूद है। इसमें आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इसमें आप पावर पॉइंट में अगर आपने कोई स्लाइड बनाई तो आप यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, तो स्लाइड्स आप बना सकते हैं, उनसे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो वीडियो कन्वर्ट अगर आप करना चाहते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, तो वो एक्टिव प्रेजेंटर से आप कर सकते हैं। तो एक्टिव प्रेजेंटर भी एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है आपके पास, और अगर ये आपके पास है तो आपको अलग से वीडियो एडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी में ही वीडियो एडिट कर सकते हैं और उनको वीडियो में फाइनल वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 3-4 ऑफरिंग टूल्स हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज कीजिए या एक्टिव प्रेजेंटर का यूज कीजिए, फ्री है, या तो आप EXE का यूज कीजिए, इनमें से जो आपको आसान लगता हो वो उपयोग में आप ला सकते हैं। अब हम कुछ बात कर लें कि अगर हम घरों पर कुछ ई कंटेंट डेवलप करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम बहुत कम रिसोर्सेज में, बहुत कम इक्विपमेंट के साथ में किस तरह से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपके पास ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप कैसे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? देखिए, आप घरों पर बहुत अच्छे से वीडियो बना सकते हैं, उनके साथ में कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं जिन पे आपको ध्यान रखना है। ये इश्यूज हैं, एक तो आपके वीडियो जो उसमें लाइट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, उसके लिए आप प्रॉपर लाइट का उपयोग कीजिए, और अगर आपका लेक्चर ऐसा है जिसपे आप केवल डिस्कस करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप घरों पर खिड़की के सामने बैठ करके आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, तो आपको हर तरह से लाइट मिलती है और आपको आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत नहीं है, तो लाइट प्रॉपर रहनी चाहिए। वीडियो क्वालिटी थोड़ी वाइब्रेंट हो जाती है, थोड़ी सी वो हिलने लगती है, वाइब्रेशन उस पर आ जाते हैं, शेकिंग होती है, उस पर हमको ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखेंगे अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, हम ई कंटेंट कैसे डेवलप करेंगे घर पर ही हम सारी चीज़ें सीखेंगे। ऑडियो क्वालिटी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि अक्सर अभी हमने देखा था cgschool.in पे जो लेक्चर तैयार हो रहे थे, जो वीडियो अपलोड होते होंगे, किसी की ऑडियो क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं थी, कि इसमें वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं थी, तो उस पर आपको ध्यान रखना है। और
एक चीज जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है वीडियो का बहुत लंबा हो जाना। जो लार्ज साइज के वीडियो है उनको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हम अपने मोबाइल से जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वो 1-1 GB तक चले जाते हैं साइज, तो इसको हम कैसे हैंडल करें वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हम अपने घरों पर ही बहुत आसानी से बहुत कम रिसोर्सेज में वीडियो लेक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, मोबाइल फ़ोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास में है और ये बहुत पावरफुल टूल है। इसमें माइक भी है, इसमें वीडियो कैमरा भी है, इसमें बहुत सारे आप एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक पावरफुल आपके पास में टूल है, इसका उपयोग आप करके एक अच्छा वीडियो रिकॉर्ड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको एक मोबाइल चाहिए, स्मार्टफोन, आपको गूगल स्लाइड चाहिए होगी, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फ्री ऐप है, आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर लीजिए। और एक सॉफ्टवेयर आपको और चाहिए, वो है स्क्रीन रिकॉर्डर का। अगर आपके पास ये तीन चीज़ें हैं तो आप आसानी से एक वीडियो बना सकते हैं। अब आप वीडियो कैसे बनाएंगे, देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले आप गूगल स्लाइड पर जाइए, उसको ओपन कीजिए, और जब आप ओपन करेंगे तो इस गूगल स्लाइड में आपके जीमेल में या गूगल ड्राइव में जितने भी पावर पॉइंट स्लाइड्स होंगे, पावर पॉइंट्स होंगे, वो सारे इस पर आपको दिखाने लगेंगे। आपको उनमें से एक को सेलेक्ट कर लेना है जिस पर आप वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप कोई नया वीडियो बनाना चाहते हैं, कोई नया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं जो पहले से आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप देखिए इसके नीचे पे ये प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे तो न्यू प्रेजेंटेशन खुलेगा। और जब आप इस न्यू प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये टेम्पलेट खुल जाएगा जिसपे आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट काम करता है, तो उसी तरह से आपको इसमें स्लाइड शो बनानी है। तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट, इमेज, शेप, लाइन, वीडियो, जो भी आप इंसर्ट करना चाहें वो इस पे आप इंसर्ट कर दीजिए। तो स्लाइड बाई स्लाइड आप अपना जो स्लाइड शो होगा बनाते चलिए। जब आप अपनी स्लाइड बना लेते हैं तो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर पर जाना है, जो दूसरा ऐप आपने डाउनलोड किया है। स्क्रीन रिकॉर्डर जब आप खोलेंगे तो इस तरह से एक आइकन दिखाई देगा, नीचे में देखिए वीडियो कैमरा दिखाई दे रहा है, और ऊपर वीडियो के बगल में ये तीन लाइन वाली आपको मेनू बार दिखाई दे रहा है। इस मेनू को आप क्लिक करेंगे तो सेटिंग का ऑप्शन आएगा। इस सेटिंग में आपको जाना है रिकॉर्ड ऑडियो पर, इसको आप ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप अपना माइक्रोफोन यूज़ करेंगे तो आप इसको ऑन कर लीजिए। फिर आपको सेटिंग में ही शो कैमरा पे जाना है, और आपको फिर ऑप्शन दिखाई देगा शो कैमरा का, इसको आप ऑन कीजिए स्विच को, तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो नीचे देखिए यूज़ कैमरा दिखाई देगा, जिसमें आप फ्रंट या रियर कैमरा जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये तभी आप यूज़ कीजिए जब आप पावर पॉइंट में अपनी इमेज दिखाना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि पावर पॉइंट में हमको अपनी इमेज नहीं दिखाना है हमको, तो आप इसको ऑन कर दीजिए शो कैमरा को, तो केवल आपका वॉइस उस पर आएगा, ऑडियो उस पर आएगा। और आप यहाँ पर नीचे जो आइकन बना है वीडियो कैमरा का, इसको क्लिक कीजिए तो आपका वीडियो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। अब आप गूगल स्लाइड पे जाइए, अपनी जो स्लाइड है उसको खोलिए, और आप माइक्रोफोन पर बोलते जाइए, सारी चीज़ें स्लाइड के अनुसार रिकॉर्ड होती जाएगी और एक अच्छा सा वीडियो बन करके आपके मोबाइल पर स्टोर हो जाएगा। जब ये वीडियो स्टोर हो जाता है तो आप फिर से स्क्रीन रिकॉर्डर पर जाइए। ये देखिए इस तरह से आपको वीडियो स्टोर दिखाई देगा। आप ये जो 3-डॉट मेनू है उस पर आप क्लिक कीजिए तो एक ट्रिम का ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कहीं पर हमको कोई भाग को काटना है, छाटना है, तो आप इस ट्रिमर से उस चीज़ों को काट सकते हैं। आप सेलेक्ट कीजिए वीडियो का भाग और आप उसको वहाँ से काट के अलग कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मोबाइल फ़ोन, गूगल स्लाइड और स्क्रीन रिकॉर्डर से एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपके मोबाइल पर पावर पॉइंट है या स्लाइड शो है उसके द्वारा। एक दूसरी तरह से हम वीडियो बना सकते हैं, जब आप सीधे सीधे अपना वीडियो रिकॉर्ड करते हैं मोबाइल से, तो आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए एज यूजुअल, क्योंकि इसमें वीडियो कैमरा है। और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आप सीधे इस मोबाइल का कैमरा यूज़ मत कीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर से ही एक ऐप डाउनलोड कीजिए जिसे कहा जाता है ओपन कैमरा। ओपन कैमरा से जब हम वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो वीडियो की जो क्वालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, लाइट का इशू प्राय ख़त्म हो जाता है और बहुत साफ सुथरा एक वीडियो रिकॉर्ड होता है। तो अपने मोबाइल में आप ओपन कैमरा इंस्टॉल कीजिए और ओपन कैमरा से ही आप वीडियो बनाइए। आप एक ट्राइपॉड स्टैंड का उपयोग कर सकते हैं ताकि ज़्यादा वीडियो में शेकिंग ना हो,
वाइब्रेशंस ना हो, क्योंकि वो एक अच्छा इफेक्ट नहीं देता वीडियो को। तो वीडियो स्टेबल होना चाहिए, तो वीडियो स्टेबल हो इसलिए आप एक ट्राइपॉड स्टैंड का उपयोग कर सकते हैं, या आपके पास स्टैंड नहीं है तो किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं जो मोबाइल को स्टेबिलिटी दे। आपके पास सेल्फी स्टिक है, आप उसमें फंसा करके अपना मोबाइल को रख सकते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट में मोबाइल को आप होल्ड करके रखिए अपने सामने, तो इस तरह से आप एक स्टैंड का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगर ऑडियो की बात आती है, हमने पहले देखा है कि ऑडियो क्वालिटी खराब आती है क्योंकि हम बहुत दूर से बोलते हैं, तो उसके लिए आप एक माइक का उपयोग कर सकते हैं। कॉलर माइक का उपयोग कीजिए, आप इसको सॉकेट कीजिए आप अपने मोबाइल फोन में और कॉलर पे अपने इस माइक को लगाइए, और आप थोड़े दूर से भी बोलेंगे तो बहुत क्लियर आवाज़ आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड होगी। तो इसके लिए आप बोया का माइक यूज़ कर सकते हैं, या ऑनलाइन अवेलेबल है अमेज़ॉन पर, और 700-800 रुपये में ही मिल जाता है। पर अगर आप बायकॉट चाइना मुहिम के सदस्य हों तो मैं आपको बता दूं कि ये चाइनीज़ आइटम है, तो अगर आप इसका उपयोग नहीं करना चाहते तो इसका अल्टरनेट अवेलेबल है ऑनलाइन शॉपिंग पर, तो आप वहाँ से इसका कोई अल्टरनेट डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बोया माइक में जो कार्ड है, इसका जो तार है वो 20 फीट लंबा होता है, तो आप अपने मोबाइल से 20 फीट दूरी से भी अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत क्लियर आवाज़ इस पर आती है, तो आपका जो ऑडियो का कंसर्न है वो भी ख़त्म हो जाता है। फिर जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो वीडियो को पूरा वैसे ही आप ना ही यूट्यूब पे डालते हैं ना ही बच्चों को भेजते हैं, उस वीडियो पे हमको कुछ टाइटल्स डालने पड़ते हैं, कुछ इमेजेस डालनी पड़ती है, कुछ टेक्स्ट कहीं कहीं पर इंजर्ट करने पड़ते हैं। हो सकता है वीडियो पे कुछ ऐसे भाग हों जो वीडियो बनने के बाद हमको लगता है कि ये बच्चों के बीच में नहीं जाने चाहिए, ये ख़राब हैं, तो उनको हम कट करते हैं। तो जो भी एडिटिंग का काम है आप ओपन शॉट से कर लीजिए, या इसी तरह से जो भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके पास है उसे आप उसका उपयोग कर लेंगे। या आप मोबाइल पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे मोबाइल पर काइनेमास्टर जो ऐप है उससे अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट और दूसरी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों के साथ भी आप घर पर डायरेक्ट अपना वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूट्यूब पर अपलोड कर सकते हैं, या बच्चों को शेयर कर सकते हैं। क्वालिटी के साथ कोई इशू नहीं आएगा, बहुत अच्छा वीडियो इससे बनता है। अब हम ये देख लें कि अगर हम अपने पावर पॉइंट को या हमारे स्लाइड शो को सीधे सीधे वीडियो में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करें। आप अगर मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास एक तैयार स्लाइड शो है और उस स्लाइड शो को आप सीधे वीडियो में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। आप अपना पावर पॉइंट खोलिए, और जैसे मैंने पहले कहा कि इसके लिए आपको ऑफिस 365 की जरूरत होगी, या 10th जनरेशन के कंप्यूटर पर अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 है तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। तो आप पावर पॉइंट खोलिए और यहाँ पर आपको एक स्लाइड शो बनाना है। इस स्लाइड शो पर जब आप बनाएंगे तो दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, जब भी आप नई स्लाइड इंसर्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर स्लाइड साइज दिया हुआ है, और इस स्लाइड साइज पे आपको जो साइज चुनना है वो वाइड स्क्रीन होगा, 16:9 होना चाहिए, क्योंकि जो बाई डिफॉल्ट है स्लाइड खुलती है वो स्टैंडर्ड होती है 4:3 होती है, पर हमको चूंकि वीडियो बनाना है इस पावर पॉइंट से, इस स्लाइड शो से, तो आपको थोड़ा वाइड स्क्रीन चाहिए। तो आप साइज में जाइएगा स्लाइड साइज में और वाइड स्क्रीन आपको ऑफ करना है। इससे क्या हुआ कि आपकी जो स्लाइड है वो थोड़ी वाइड दिखाई देगी। फिर आपको एक स्लाइड शो तैयार कर लेना है, जो भी आप चाहते हैं इस तरह से आपका स्लाइड शो तैयार हो जाएगा। आप इसमें टेक्स्ट डाल दीजिए, आप इसमें वीडियो डाल दीजिए, आप इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, आप इसमें ऑडियो डाल सकते हैं, जो भी आप उसको डालना है, जैसा भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं, एक अच्छा पावर पॉइंट आप बना लीजिए। जब आपका स्लाइड शो बन जाएगा तो आपको फिर जाना है स्लाइड शो पर, इस तरह से एक ऑप्शन दिखाई देता है ऊपर में स्लाइड शो, उसको आप क्लिक करेंगे तो रिकॉर्डर जो रिकॉर्डिंग है वो खुलती है, और रिकॉर्डिंग जब खुलेगी तो इस तरह से आपका स्क्रीन आएगा। इस पर आप देखें लेफ्ट कॉर्नर पर रिकॉर्ड का ऑप्शन दे रहा है, और नीचे की ओर जो एक ब्लैक रेड सर्कल पर आपको माइक दिखाई दे रहा है और वीडियो दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना वीडियो नहीं डालना चाहते तो आप इसको बंद कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ऑडियो वीडियो दोनों आपका आएगा तो आप सीधे सीधे रिकॉर्ड बटन पर जाइए। तो जब आप रिकॉर्ड बटन को क्लिक करेंगे तो देखिए ऐसा पॉप अप वीडियो खुलेगा, और इस स्लाइड शो के साथ में आपकी इमेज भी दिखने लगेगी जो कि वेब कैमरे से आती है। इस इमेज को आप पकड़कर कहीं पर भी
शिफ्ट कर सकते हैं, किसी भी कारण पर आप इसको मूव कर सकते हैं और इसका साइज भी आप बड़ा कर सकते हैं, आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो अब आप रिकॉर्डिंग करना शुरू करेंगे। आप देखिए नीचे की ओर आपको कुछ हाइलाइटर्स भी दिखते हैं, कुछ पेंसिल्स भी दिखती हैं, इरेजर्स भी दिखते हैं। अगर आप स्लाइड शो में बीच में इन हाइलाइटर्स का उपयोग करना चाहते हैं तो उनका कलर सेलेक्ट कीजिए और आप उसका यूज़ कीजिए। जैसे जैसे आप अपने प्रेजेंटेशन में इन हाइलाइटर्स का उपयोग करेंगे वैसा ही वीडियो पे वो आपको दिखाई देगा। तो इनका उपयोग आप कर सकते हैं, रिकॉर्ड कीजिए। जब आप रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो सेव हो जाएगा पावर पॉइंट। ये जो वीडियो और ऑडियो है वो आपके स्लाइड शो में ही सेव होंगे। उसके बाद आप फाइल पे जाइए पावर पॉइंट पे, तो आपको मिलेगा एक्सपोर्ट का ऑप्शन। आप इस एक्सपोर्ट को क्लिक कीजिए तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट अ वीडियो। तो हमको वीडियो क्रिएट करना है तो आप उसको क्लिक कीजिए। तो दो ऑप्शन हमारे पास आएंगे, फुल एचडी जो कि बाय डिफॉल्ट रहता है आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, और यूज रिकॉर्डेड टाइमिंग नरेशन उसको भी आप बाय डिफॉल्ट है उसको वैसे ही रहने दीजिए। तो आपने जिस स्पीड से और जिस टाइमिंग के साथ में अपना वीडियो और नरेशन डाला हुआ है अपनी स्लाइड्स पे वो उसी तरह से क्रिएट करेगा वीडियो में। और आप क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर दीजिए। जब आप क्रिएट वीडियो करेंगे तो देखिए ये डेस्टिनेशन पूछेगा आपके सिस्टम में वीडियो को कहाँ पर सेव करना है। ये बाय डिफॉल्ट MP4 फॉर्मेट में ही उसको सेव करता है, तो आप उसको डेस्टिनेशन दे दीजिए। और डेस्टिनेशन देने के बाद में आप देखिए नीचे पे क्रिएटिंग वीडियो ट्यूटोरियल्स करके दे रहा है जो मेरा टाइटल था, कि यहाँ पर आपका जो वीडियो है वो क्रिएट हो जाएगा। आपने जो भी स्लाइड शो बनाया हुआ है, जो भी उसमें आपने वीडियो और ऑडियो डाला हुआ है, वो सब एक वीडियो के रूप में आपके पास में उपलब्ध रहेगा, वो सेव रहेगा। आपको लगता है कि उसमें कुछ एडिट करना है तो आप वीडियो एडिटिंग टूल्स पर जाइए, ओपन शॉट पे, फिल्मोरा पे, किसी में पे, और उसको आप एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो ठीक है तो आप सीधे सीधे उसको सर्कुलेट कर सकते हैं बच्चों के बीच में। तो इस तरह से पावर पॉइंट से आप डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं अपने स्लाइड शो का। फिर जब हम अपना वीडियो बना लेते हैं तो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो वीडियो का साइज वो काफ़ी बड़ा होता है और उसको डील करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप मोबाइल से वीडियो अपना रिकॉर्ड करते हैं तो 700-800 MB तक हो जाता है कई बार। तो अगर बहुत अच्छी क्वालिटी का आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं HD में तो 1 GB से बड़ा चला जाता है। इतने बड़े वीडियो को आप ईमेल से किसी को भेज नहीं सकते, इतने बड़े वीडियो को आप YouTube में आसानी से अपलोड नहीं कर सकते। YouTube में अपलोड तो होता है पर बहुत टाइम टेकिंग है, क्योंकि जैसी हमारी स्पीड है इंडिया में इंटरनेट की और ऑलमोस्ट लोग मोबाइल से ये सारा काम करते हैं, 1 या 1.5 GB हमको पर डे हमारी लिमिट होती है। तो अधिकांश लोग करते क्या है, अगर लंबा वीडियो है हमारे पास उसका साइज बड़ा है तो रात में सोने के समय पे उसको YouTube पे अपलोड में लगा देते हैं और सो जाते हैं, सुबह तक वीडियो अपलोड होता है। तो इस तरह की दिक्कतें हमारे सामने आती हैं। तो अगर आपने वीडियो बनाया और काफ़ी बड़ा साइज का हैवी है वो, जिसको आप आसानी से ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, तो उसको आप कंप्रेस कर लीजिए। और कंप्रेस करने के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, पर जो बेस्ट है, जो सबसे पॉपुलर दुनिया में और सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया सॉफ्टवेयर है, टेस्टेड है, सेफ है, वो है हैंड ब्रेक का। ये बिल्कुल सेफ है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए इंटरनेट से। और इस सॉफ्टवेयर के साथ में अपने वीडियो को आप कई गुना तक कंप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वीडियो 1 GB का है तो वो 150 MB तक आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ओरिजिनल क्वालिटी है वीडियो की वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में कि जब हम कंप्रेस करते हैं अपना वीडियो तो उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी ख़राब हो जाती है, पर इसके साथ ऐसा नहीं है। आपकी जो वीडियो क्वालिटी है वो बिल्कुल वैसे ही बनी रहेगी जैसे कि ओरिजिनल वीडियो पे है। तो इसका उपयोग आप कीजिए। इसका यूज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप हैंड ब्रेक को खोलेंगे तो इस तरह से एक स्क्रीन खुलता है और आप देखें कि आपके लेफ्ट साइड पे फाइल या फोल्डर दिखा रहा है। तो आप फाइल पर जाइए और जो भी आपकी फाइल है वो आप उसको ओपन कर लीजिए। तो जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे तो फाइल आपकी दिखाई देगी, इस तरह से आइकन दिखाई, थंबनेल दिखाई देगा आपका जो वीडियो होगा उसका। और कुछ सेटिंग्स हैं, ये सेटिंग आपको केवल एक बार करनी है, फिर इसमें वो बाय डिफॉल्ट सेव हो जाती है, बार बार आपको सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, इसमें आपकी सेटिंग पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इन चार चीज़ें हैं जिसको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप समरी पे जाएंगे तो आपको दो चीज़ों पर टिक करना है, एक तो वेब ऑप्टिमाइज़ पर टिक करना है और अलाइन AV स्टार्ट को बाय डिफॉल्ट पहले से सेलेक्ट रहता है तो उसको आपको वैसे ही रहने दीजिए।
वेब ऑप्टिमाइज्ड इसको इसलिए करना है क्योंकि ये सारे जो वीडियो हैं वो आपको YouTube पे डालने हैं या शेयर करने हैं, तो बहुत अच्छे से ये वेब के साथ में यानी इंटरनेट के साथ में ऑप्टिमाइज हो जाते हैं। तो वेब ऑप्टिमाइज्ड आप कर लीजिए, ये आपको सेटिंग करना है, एक बार करना है। फिर आप जाएंगे वीडियो पर, देखिए नीचे पे वीडियो दिख रहा है, और वीडियो पर हमको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक वीडियो पे आप देखें नीचे में लिखा हुआ है फ्रेम रेट और उसके नीचे कांस्टेंट फ्रेम रेट, तो इस कांस्टेंट फ्रेम रेट को आपको सेलेक्ट करना है। तो जो आपके स्लाइड्स में फ्रेम रेट है वही इस पर कंप्रेस होगा, जो आपके वीडियो पर आपने फ्रेम रेट बनाया हुआ है वही कांस्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है वो है क्वालिटी पे, तो क्वालिटी पे कांस्टेंट क्वालिटी लिखा हुआ है, आप इसको टिक कर रहे हैं, वैसे ये बाय डिफॉल्ट रहता है, नहीं है तो आप इसको टिक कर दीजिएगा, इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल क्वालिटी है वो बिल्कुल बनी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और कांस्टेंट क्वालिटी पे देखिए इस पे एक स्केल होता है जो कि बाय डिफॉल्ट 22 पर सेट होता है, RF लिखा हुआ है और ये आपको स्केल दिखाई दे रहा है जिसपे रेट पे टिक मार्क। HD वीडियो के लिए ये 22 23 24 तक ही एडवाइजेबल है, तो आप इसको 22 में ही रहने दें। अगर आप 22 से कम करते हैं यानी आप 20 18 17 करते हैं तो जो क्वालिटी है वो ख़राब होगी, HD वीडियो आपको नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ अगर आप इसको 22 से ज़्यादा करते हैं, अब 25 26 आपको लगता है कि क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, मैं इसको 30 कर देता हूँ, तो ऐसा आपको करना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप इसका स्केल बढ़ाएंगे तो आपको जो वीडियो है वो कंप्रेस होने के बदले बढ़ जाएगा, जो 1 GB का है वो 1.5 GB का हो जाएगा। तो मैंने इस पर एक वीडियो डाला था तो मेरे एक मित्र ने फ़ोन किया कि हैंड ब्रेक तो ठीक से काम नहीं कर रहा, मेरे 800 MB का वीडियो है वो 2 GB का हो गया है। तो उसके पीछे रीजन यही है कि हम वीडियो क्वालिटी अच्छी करने के लिए इस स्केल को बढ़ा देते हैं, वो आपको नहीं करना है। 22 रिकमेंडेड है, आप इसको 22 पे ही रहने दीजिए, इतनी सेटिंग हमको करनी है। जब ये सारी सेटिंग हो जाए तो ऊपर में देखिए स्टार्ट इंपोर्ट दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है वो कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा। देखिए नीचे पे ये जो रेड सर्कल है इस पर इंपोर्टिंग दिखा रहा है, तो ये धीरे धीरे आपके वीडियो साइज के आधार पर डिपेंड करता है कि 10 मिनट 20 मिनट आधे घंटे में आपका वीडियो कंप्रेस हो जाता है। और जब वो वीडियो कंप्रेस हो जाएगा तो आपको एक कम साइज का उसी क्वालिटी का ओरिजिनल क्वालिटी का वीडियो प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप वीडियो कंटेंट घर पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको आप चाहे आप पावर पॉइंट के द्वारा या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के द्वारा आप उनको वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साइज के साथ भी आप डील कर सकते हैं ताकि आप आसानी से उनको इंटरनेट पर ट्रांसफ़र कर सकें, यूट्यूब पर अपलोड कर सकें। तो ये मेरा प्रेजेंटेशन था जिसमें मैंने बताने की कोशिश की कुछ टूल्स के बारे में। एक फाइनल टिप जो मैं अपने तरफ से देना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियो कंटेंट बनाएं, चाहे आपका स्लाइड्स हो चाहे वीडियो हो, अगर आप नेट से या किसी दूसरे व्यक्ति के काम से कुछ इमेजेस वीडियो डाटा टेबल चार्ट या कोटेशन यूज़ करते हैं तो ये कर्टसी है कि आप उनका एक्नॉलेज करें, उनको रिफ़र कर दें। तो जहाँ पर भी आप चार्ट या टेबल यूज़ करते हैं, इमेज यूज़ करते हैं, वहाँ पर उनका रेफरेंस जरूर दे दें, एक्नॉलेज जरूर दे दें, तो आपका जो कंटेंट है ई कंटेंट वो बहुत अच्छे से तैयार होगा। मुझको लगता है कि इस लेक्चर से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हम किस तरह से इसका उपयोग करें, ई कंटेंट डेवलप करें, कौन कौन से टूल हमको उपयोग में लाने हैं। और मैं अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करता हूं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप मुझे पूछ सकते हैं मुझसे। आपको कुछ पूछना हो तो अदरवाइज ये प्रेजेंटेशन खत्म करें हम। इतना सुंदर और ज्ञानवर्धक और सारगर्भित प्रेजेंटेशन संदीप शुक्ला सर के हम सभी बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत ही अच्छा लगा सर, और ऐसा लगा कि
सर बॉटनी के प्रोफेसर से ज्यादा आईटी के प्रोफेसर लग रहे हैं, और मैं हमारे प्रतिभागियों के सामने एक बात और रखना चाहूँगा। जब संदीप शुक्ला सर का लेक्चर चल रहा था उस दौरान हमारे पहले रिसोर्स पर्सन भी ऑनलाइन थे, वो भी इस प्रेजेंटेशन को देख रहे थे, और जो यूट्यूब लाइव पे चैट चल रहा है उसमें उन्होंने संदीप शुक्ला सर को धन्यवाद दिया है एक बहुत ही सुंदर प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये ऐसे प्रतिभा संपन्न और विनम्र हमारे रिसोर्स पर्सन हैं, देखिए ये हम लोगों के लिए सीखने के लिए है कि इतना अच्छा ज्ञानवर्धक प्रेजेंटेशन जो शुक्ला सर की तरफ से जानकारी हम लोगों को मिली उसको रेड्डी सर भी बहुत अप्रिशिएट किए, और साथ ही साथ रेड्डी सर चैट बॉक्स में श्रोताओं के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब भी दे रहे थे।